दोस्तों क्या होगा जब इस ट्रांसफार्मर को दो पीसीबी यानी कि दो सर्किट और दो कैपेसिटर लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये बहुत तेज करंट दे पाएगा या फिर सर्किट जल जाएगा? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक 18 केवी का ट्रांसफार्मर जिसके अंदर एक तरफ चार वायर है जो कि सर्किट में जाता है और दो वायर है वो झटका देता है। तो सबसे पहले हम इसका वायर चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करने के बाद जो दो वायर में बीप की साउंड आ रहा है वो दो वायर एक पीसीबी में डालेंगे और दूसरे दो वायर दूसरे पीसीबी में लगा देंगे। अब हमारे पास है दो झटका मशीन की पटाखा पीसीबी और इस पीसीबी को आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हो। और अब पीसीबी की वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर सीपी लिखा हुआ है, वहां पर लगेगा हमारा कैपेसिटर और यहां पर बैटरी के प्लस माइनस लिखा हुआ है और यहां पर ट्रांसफार्मर के दो वायर लग जाएंगे। सेम दूसरी पीसीबी में भी हम ऐसा ही वायरिंग कर देंगे और यहाँ पर हम 15 यूएफ के दो कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दो वायर के टुकड़े लेकर दोनों पीसीबी के प्लस माइनस में आपस में जोड़ देंगे। और अब बात आती है कैपेसिटर की, तो यहाँ पर हमने पहले कैपेसिटर जोड़ दिया है और अब हम दूसरे कैपेसिटर को भी जोड़ देते हैं। और अब हम एक वायर लेकर प्लस माइनस में जोड़कर एक वायर बाहर निकल देंगे बैटरी में जोड़ने के लिए। और अब हम जल्दी से ट्रांसफार्मर के दो वायर पहले पीसीबी में जोड़ देते हैं। और सेम दूसरी पीसीबी में भी हम वायर जोड़ देते हैं। और अब हम इसको ऑन करते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखते ही जान गए होंगे कि झटका कितना तेज आ रहा है। और अब आप आवाज सुनो और इससे एक बात साफ हो गई है कि दो सर्किट लगाने से झटका तो बढ़ता है। अब इसे ज्यादा समय तक चलाने से ये खराब हो जाएगा या फिर नहीं ये तो पता नहीं, पर इसे झटका तो बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।